Ladies and gentlemen, good afternoon to you all. You join us for this 5-5 between India and Netherlands. I'm Mike Atherton, and joining me for what should be an exciting contest is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy, and the one and only Lord Gower. Well, thanks, Athers, for such a glowing introduction. Yes, you made a sorry, Mr. Jessica, sorry, John, thank you. And it really does seem like... Hello. कैसे मेरे सारे मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैच है इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का। उस मैच का सीधा प्रसारण तो हम करा नहीं सकते, तो हम आपके सामने 5 ओवर रेप्लिका क्रिकेट 22 का ये गेम जो कि एआई पे चल रहा है उसका आपके सामने सीधा प्रसारण करेंगे, जहां पे इस समय टॉस किया जा रहा है। टॉस होल्ड कीजिएगा, जरा मुझे इसको एआई में कन्वर्ट करने दीजिए। तो एआई कन्वर्ट कर लेते हैं, सेटिंग्स पे जाके हाँ जी, तो यस डू इट हो चुका है। तो हाँ जी, इंडिया चूज टू बैट, तो बैटिंग करने वाली है इंडिया आप सबके सामने। इंडिया बैटिंग करने वाली है, केएल राहुल सामना करने वाले हैं किंगस्टन का। गेंद को स्टीयर किया है इस समय मिड विकेट की तरफ से, 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए हैं रोहित शर्मा ने। अगली गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा, क्लासेंट की रोहित शर्मा। अगली गेंद, गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ है, लेग स्टंप पे थी, गेंद को स्टीयर करना चाहते थे पर आउटर एज लगा, गेंद गई है ऑफ स्टंप के बाहर, वापस आएगी, रन लेने में मौका देगी रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा का स्कोर हो चुका है 5, रेफरी कहते हुए नॉट आउट है, पर उन रेफरी की बात से सहमत नहीं है। आपस में पूर्ण विचार करने के बाद क्लियरस नहीं लिया है ओवर, अब ले लिया है राहुल जी ने क्रीज पर अपना। राहुल जी इस समय राहुल केएल राहुल सामना करेंगे क्लासन का। नेक्स्ट स्टंप के ऊपर गेंद थी, स्टीयर किया है मिड विकेट की तरफ से जाती हुई, 1 रन अपने खाते में जोड़ लेंगे केएल राहुल, नहीं 2 रन से ही संतुष्ट करेंगे अपने आप को। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है केएल राहुल। अब आप अगली गेंद का सामना करेंगे और स्कोर पहुंचा दी है 7 रन, परेशान केएल राहुल पूछते हुए कितनी बोले हुई हैं, तो केएल राहुल जी का जवाब आता हुआ दूसरी तरफ से रोहित शर्मा, अभी खेलो भाई साहब, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो जी वापस जाते हुए क्रीज पर सामने है क्लासन, बॉलिंग कराते हुए अपनी 3 गेंदों पर 6 रन दे चुके हैं बॉलिंग मार्क से रन लेते हुए। गेंद ऑफ लेग स्टंप पे है और दोबारा से मिड विकेट की तरफ मारा है, इस बार मिड विकेट पे खड़ा खिलाड़ी जब तक वापस गेंद को देगा तब तक 1 रन खाते में जुड़ जाएगा। इसके 1 रन के साथ केएल राहुल का स्कोर हो चुका है 3 रन। केएल राहुल चारों तरफ नजर दुगड़ाते हुए कितना स्कोर बना चुके हैं, 8 रन सामने है क्लास से। लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, बैकफुट पे जाके पंच किया है थर्ड मैन की तरफ से लॉन्ग लेग की तरफ से, 4 रन नहीं अपने आप को, 2 रन पे ही संतुष्ट, 3 रन पे संतुष्ट करा। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट आपको देखने को मिली है एआई की तरफ से। केएल राहुल 3 रन के साथ सामना करेंगे क्लासन का, 7 रन पे रोहित शर्मा। ऑफ स्टंप के बाद थी, ड्राइव किया है शॉर्ट कवर्स की तरफ से, बोल्ड होगी है फील्ड, लॉगन वैन पिक आ चुके हैं क्रीज पर, राइट टर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग कराने जा रहे हैं, सामने उनके रोहित शर्मा। लेग स्टंप पे गेंद थी, उठा के मारने की कोशिश करी है स्क्वायर लेग की तरफ से, 4 रन अपने खाते में जोड़े हैं बैट्समैन रोहित शर्मा ने।
रोहित शर्मा अगली गेंद। और इस बार उठा के मारने की कोशिश करी थी, गेंद निकाली है बिल्कुल कवर्स और थर्ड मैन की तरफ से, चार रन के लिए मौका नहीं मिल पाएगा नीदरलैंड के खिलाड़ियों को, और इस चार रन के साथ स्कोर बन चुका है। उन्नीस रन सामने रोहित शर्मा, 15 रन पर खेलते हुए सामना करेंगे वैन पिक का। ऑफ स्टंप के बाहर आया, ड्राइव करने की कोशिश की थी, गलत लाइन पे गए, गेंद बल्ले को छूते छूते रह गई, नहीं तो यहाँ पे आसान कैच हो सकता था विकेट कीपर के लिए। रोहित शर्मा अगली गेंद के लिए सामना करेंगे वैन पिक का। ऑफ स्टंप के काफी बार थी, गेंद को जाने दिया, कोई कोशिश नहीं करी और रेफरी की कोशिश वाइट करते हुए, और साथ साथ में वाइट के साथ ही है एक ओवर द हाइट इशारा। 88 नंबर पे वैन डिक अपनी अगली गेंद कराने, वैन बिक इस बार लेग स्टंप से कराई है, स्टियर किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ, जब तक गेंद वापस आएगी एक रन नहीं दो रन के लिए भाग चुके, दो रन खतरनाक हो सकते थे पर जब तक गोल विकेट कीपर के पास गेंद पहुंचती, दो रन अपने आराम से पूरे किए रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा फिर दोबारा एक क्रीज पे 17 रन पे खेलते 7 बॉलों का सामना करते हुए 11 रन दे चुके हैं वैन बिक। वैन बिक की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, ये वाइट होनी चाहिए, रेफरी के इशारे का इंतजार दोनों टीमों को। हाँ जी, रेफरी का इशारा, वाइट मिलती हुई फिर दोबारा से वैन बिक पहुंच चुके हैं क्रीज पर, बॉलिंग मार्क से बॉलिंग कराते हुए इस बार ऑफ और मिडल के बीच में थी, स्टीयर किया है स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन जोड़ेंगे अपने खाते में, उसे एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 25-24 और 2 ओवरों में बिना एक विकेट खोए इंडिया 24 रन पे खेलती हुई। आखिरी गेंद वैन बिक की ऑफ स्टंप के बाहर है, ड्राइव किया है, अपिश गेंद थी और अपिश गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर से 4 रन के लिए अपने खाते लिए जोड़ लिया है रोहित शर्मा ने। इसके साथ ही 28 रन पे खेल रही है इंडिया, काफी उम्दा बैटिंग का नजारा पेश किया है रोहित शर्मा ने। क्या सेम ऐसी ही बैटिंग हमें देखने को मिलेगी आज? सामने है टिम वैन गुटन, वेंडर गुटन 28 रन पे, 18 रन पे रोहित शर्मा। ऑफ स्टंप के बाद थी, ड्राइव कराया और सीधी गेंद हाथों में, एक्स्ट्रा कवर पे कोई गलती नहीं करी फील्डर ने और इसी के साथ विकेट मिल चुकी है। और इसी के साथ एक विकेट खोती हुई इंडिया, पहली विकेट और पहली बॉल पर ही वैन डेन गुल्टन की, रोहित शर्मा अपने निजी 18 रन से आउट होते हुए सामने आ रहे हैं विराट कोहली। विराट कोहली सामना करेंगे वैंडर गुल्टन का। इस बार गेंद छोटी थी, इंतजार किया, स्टीयर किया, ऑफ स्टंप के बाहर थी, खींच के मारा है गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, 4 रन अपने खाते में जोड़े विराट कोहली ने। आपको बता दें विराट कोहली काफी उम्दा खेला है पाकिस्तान के खिलाफ, 82 रन बनाए थे अपने पिछले मैच के अंदर, उस मैच के बाद से ही काफी फॉर्म में दिखते हुए विराट कोहली 4 रन बना चुके अपनी 2 बॉलों पर। अब सामना करेंगे गुल्टन की अगली गेंद का, जो कि चौथी गेंद होगी। इस बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर था, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास, कंधा मारा है और वाइट दे दी गई है एम्पायर की तरफ से इशारा वाइट का। 33 रन पे खेलती हुई इंडिया अगली गेंद का सामना करेंगे। अब तक लेग स्टंप पे गेंद थी, मिड विकेट की तरफ खेला है खिलाड़ी, जब तक खेल करेगा 2 रन अपने खाते में जोड़ेंगे कोहली।
ऑफ स्टंप के बाद है, ड्राइव किया है, सीधी गेंद जा रही है स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की तरफ से चार रन के लिए। कट किया है, गेंद जा रही है कवर की दिशा से वापस आती हुई गेंद, थर्ड मैन और कवर की दिशा में खेला गया शॉट, जिसकी वजह से एक रन अपने खाते में जोड़ चुके हैं। और आपको बता दें तीन ओवर खत्म हो चुके हैं। सामने हैं रॉल्फ वैन डेन मेरे और स्पिनर लेफ्ट आर्म। और ये उठा के मारा है और मारा विराट कोहली ने छह रन के लिए, काफी उम्दा शॉट अपनी क्रीज से बाहर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड छक्का। रन पे खेलते हुए और ये क्या किया है, ये क्या किया है, ये क्या किया है, और ये बहुत ही गलत किया है आपके सामने। फील्डर ने जज नहीं कर पाए, कैच के लिए जाना चाहते थे, अपर कट के लिए गए थे, गोडा टेक शॉट जो कि आपका रेफ विकेट कीपर के सिर से मारना चाहते थे और गलत शॉट ले गए। यहाँ पे अगली बॉल लेग स्टंप पे थी, उठा के मारने की कोशिश है, स्क्वायर लेग की तरफ से आराम से एक रन मिलेगा, खतरनाक हो सकता था। अब आ चुके हैं राहुल जो कि काफ़ी देर से क्रीज पे खड़े हैं, चार बॉलों का सामने किया, सात रन दे चुके हैं, वहीं पे आठ बॉलों पे 22 रन दे चुके हैं विराट कोहली। और ये राहुल का शॉट सीधा गया है हाथ में, शॉट लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी के पास, शॉट दोबारा से बॉल, इस बार लेग स्टंप पे गेंद को बनाया है और ये गेंद निकली है स्क्वायर लेग की तरफ से चार रन के लिए। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था उस पे बाउंड्री लाइन पर, जिसकी वजह से आसानी से ये चौका मिला है राहुल को, और इस राहुल के इस शॉट की वजह से अपनी छह गेंदों पे वो बना चुके हैं 11 रन। और इंडिया आज लगता है बहुत ही उम्दा खेलती हुई 12 की एवरेज से रन बनाती हुई। अभी पूरा एक ओवर शेष बचा है, देखना है कि अगले ओवर में क्या करते हैं। 14 की एवरेज से रन बनता होगा, ऑफ स्टंप के बाहर है, लेग स्टंप पे खेला मिड विकेट की तरफ शॉट, मिड विकेट से जब तक गेंद फील्ड होगी रन लेने का मौका नहीं मिल पाएगा इस गेंद पर। पीटर सेलर अगली बॉल, सामने है विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के बाद उठा के मारने की कोशिश करी है, सीधी गेंद जा रही है, इस समय लॉन्ग ऑफ की तरफ से जब तक फील्ड होगी एक रन खाते में जोड़ेंगे विराट कोहली। विराट कोहली का स्कोर हो चुका 23। अगली बॉल केएल राहुल सामना करेंगे सेलर का, ऑस्ट्रेलिया के बाहर है, उठा के मारने की कोशिश है, सीधी एक्स्ट्रा कवर की तरफ से चार रन खाते में जोड़े चुके हैं। इस चार रन के साथ काफी बार थी गेंद, कोटा टेक के गेंद को एक्स्ट्रा कवर के तौर से लास्ट लॉफ्टेड शॉट मारा है केएल राहुल ने। इस केएल राहुल के शॉट के 15 रन पे पहुंच चुके हैं वो, सामने 60 रन हो चुके हैं, 12 से ऊपर की एवरेज हो चुकी है, अभी भी तीन गेंद शेष हैं और काफी बाहर गेंद कराई गई है, वाइट देनी चाहिए रेफरी को, रेफरी का इशारा है कुछ नहीं गलत है ये इशारा, बल्कि वाइट होनी चाहिए थी। फिर दोबारा अब ऑफ स्टंप के ऊपर है, गेंद को उठा के मारने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा रूम दिया पर एज लग के गेंद सीधी गई है थर्ड शॉट थर्ड मैन पे खड़े खिलाड़ी के पास। अगली बॉल सीलर की, उठा के मारने की कोशिश करी है, इस बार लॉफ्टेड कट मारा है, गेंद छोटी करा दी गई थी, देखा खिलाड़ी आगे बढ़ के मारना चाहता है, छोटी कराई गई पर रिजल्ट वही निकला, पर रिजल्ट सीधा जाने की जगह इस बार स्क्वायर गए हैं,
और स्क्वाइट कट मारते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर दे मारा है। और इस स्कोर के इस शॉट के साथ 66 पे खेलते हुए आखिरी गेंद नेक्स्ट स्टंप पे है, इस पास स्वीप करके मारने की कोशिश है, मिड विकेट की तरफ से एक रन खाते में जुड़ेंगे। इसी के साथ इंडिया की बैटिंग लाइनअप का स्कोर हो चुका है 67 और अपने 5 निर्धारित ओवरों के अंदर 67 स्कोर के साथ एक विकेट के नुकसान के साथ हिंदुस्तान की बैटिंग का समाप्ति हुई है। अब सामने आ रहे हैं नीदरलैंड की बैटिंग करने के लिए टीम। सामने भुवनेश्वर कुमार अपनी बॉलिंग के मार्क पर कराएंगे डुओट। नेक्स्ट स्टंप पे गेंद थी, छोटी गेंद थी, सीधी गेंद गई है लॉन्ग लेग की तरफ, फील्डर फील्ड करके वापस पहुंचाएंगे पर एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे डॉट को। इस एक रन के साथ नीदरलैंड का स्कोर की शुरुआत हो चुकी है। परेशान नीदरलैंड स्टीवन माइकपाक पहुंच चुके हैं क्रीज पर। नेक्स्ट स्टंप पे गेंद, गेंद को स्टीयर करना चाहते थे, गेंद सीधी पैड पर लगी है और चारों तरफ चिल्लाहट, रेफरी का इशारा नो, दो गेंदों पर एक रन। काफी मुद्दत के बाद देखा जा रहा है नीदरलैंड सामना करने में इतनी कठिनाई पेश करती हुई, गेंद को इस बार डिफेंस करना चाहते, एज लगा सीधी गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ वापस आएगी, एक रन खाते में जुड़ जाएगा नीदरलैंड के। इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 2-3 बॉलों का सामना करते भुवनेश्वर कुमार अपनी चौथी गेंद कराने के लिए। 27 गेंदों पे चाहिए 66 रन, काफी मुश्किल टास्क। अब ड्राइव करने की कोशिश करिए, गेंद गई है शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक वापस आएगी रन लेने का मौका नहीं मिल पाएगा इस बॉल पर। अगली गेंद छोटी गेंद थी, मारने की कोशिश करी थी, अगली गेंद लेग स्टंप पर थी, लेग स्टंप से गेंद को सीधा घुमाया गया है लॉन्ग लेग की तरफ, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था जिसकी वजह से ये चौका खाते में जुड़ेगा नीदरलैंड के। उस खाते में जुड़ने के साथ बैक बक पहुंच चुके हैं। स्कोर 6 रन पर, सामना करेंगे बुमराह की अगली गेंद का दूसरी गेंद, पहली गेंद पे 4 रन बना चुके हैं, 60 रन चाहिए 23 गेंदों पे, काफी मुश्किल टास्क है इस समय। ये फिर दोबारा से गेंद लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ घूमती हुई, मौका नहीं मिल पाएगा इस गेंद पर रन पर। बुमराह इस बार गेंद थी लेग स्टंप के ऊपर और रेफरी का इशारा, सबका मालिक एक है। और इसी के साथ रेफरी के इशारे से संतुष्ट लगते नहीं है बैट्समैन, और जी हाँ DRS ले लिया है, देखते हैं क्या इशारा बनता है। लगता है लेग स्टंप से गेंद को
घुमाना चाहते थे ऑफ स्टंप की तरफ तक, क्या गेंद टप्पा लाइन के अंदर गया जी, एज लगता हुआ, मुझे ऐसा लगता है एज लगा है बल्ले से, देखना है कि हमारी, हाँ जी हाँ एज लगा है, हॉटस्पॉट पे इशारा, देखिए साफ एज हॉटस्पॉट पर, और हाँ जी हाँ रेफरी का इशारा, गलती मानते हुए अपनी, और जी हाँ उन्होंने गलती मान ली, देखिए पिच भी इन लाइन नहीं थी, रेफरी क्या खा के पैदा हुए हो, पिच इन लाइन है ही नहीं भाई साहब, इंपैक्ट बैट का था तो नॉट आउट है। चलिए अगली गेंद, अगली गेंद देखेंगे हम, और इस बार 4 रन मिल चुके हैं और काफी ऊंची गेंद थी, 12 रन जोड़ चुके हैं, 20 बॉलों पे अब चाहिए 56 रन। सामना करेंगे बुमराह की अगली गेंद का, मेबग 10 रन पे खेलते हैं, ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, उठा के मारने की कोशिश है, पैट पे लगी है गेंद, ज्यादा दूर नहीं गई, विकेट पे ही रह गई, एआई नीदरलैंड का सुस्त, अगली गेंद का सामना करेगा इंडिया की, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, छोटी गेंद स्लो गेंद जिसको बैकफुट पे पंच करना चाहते थे, पूरी तरह मिस किया लाइन को, गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं मिल पाएगा इस पर। अब आ रहे हैं युजवेंद्र चहल लेग स्पिनर, वो ड्राइव करने की कोशिश, ड्राइव किता ड्राइव करने की पूरी पूरी कोशिश करी गई थी, गेंद एज लग के सीधा गया है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, फील्डर फील्ड करके वापस देंगे, रन लेने का मौका नहीं मिल पाएगा इस पे, काफी स्लो रन रेट, लेग स्टंप पे ऊपर है, मिड विकेट की तरफ से 4 रन खाते में जोड़ लेंगे, इस समय बहुत जरूरी है रन कहीं से भी आए पर आए जरूर, इस 4 रन के साथ हमारे सामने अगली बॉल का सामना करेंगे दाऊद चैल की, 16 रन, ऑफ स्टंप के बाहर है, ड्राइव करने की कोशिश है, ड्राइव करके गेंद को निकाला है कवच की दिशा में, 4 रन के लिए जाती हुई गेंद को रोका है किसी तरह, शॉर्ट कवर से भागता हुआ खिलाड़ी, वापस दिया है युजवेंद्र चहल को, अगली गेंद, इस पर लेग स्टंप पे थी गेंद को स्टीयर करना चाहते थे, संपर्क नहीं हो पाया बॉल के साथ बल्ले का, अगली बॉल लेग स्टंप पे थी सीधा पैड पे लगा, रन नहीं मिलेगा इस बॉल पर, 19 रन पर, और इसी के साथ युजवेंद्र चहल का ओवर समाप्त होता हुआ, क्या हो गया समाप्त, नहीं आखिरी गेंद, 7 रन दे चुके हैं अपने इस ओवर के अंदर, आखिरी गेंद इस ओवर की, ऑफ स्टंप की काफी बार थी, सीधी गेंद गई बल्ले से किनारा लेते हुई रेफ विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी, और इस पे भी DRS लेंगे क्या, संतुष्ट नहीं दिखते हैं, लेने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि सीधी लगी है, और यहाँ पे विकेट कीपर तो उछल कूद पड़े हैं,
इसी के साथ सामने आ रहे हैं कोलिन एकमन। सामना करेंगे इस समय डाउट का। लेग स्टंप पे गेंद उठा के मारने की कोशिश करी है और गेंद सीधी गई है सीमा के बाहर, चार रन खाते में जुड़ेंगे। अगली गेंद पटेल की, अक्षत पटेल कराने जा रहे हैं दाऊद को ऑफ स्टंप के काफी बार थी, वाइड देना चाहिए, अंपायर के इशारे का इंतजार और हाँ जी हाँ खुले हाथों से एक्सेप्ट करते हुए रेफरी कहते ये वाइड है। नेक्स्ट स्टंप पे गेंद है, उठा के मारने की कोशिश किया है, ये गेंद थर्ड मैन की तरफ से चार रन के लिए जाएगी और हाँ जी कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था तो इसकी वजह से चार रन और खाते में जुड़ जाएंगे डॉट के। ऑफ स्टंप के काफी बार थी, जाने दिया गेंद को विकेटकीपर के पास, रन नहीं लेंगे इस बॉल पर। अगली गेंद के लिए पहुंच चुके हैं बॉलिंग मार्क पर बॉलर अक्षर पटेल, अब इस बार उठा के मारा है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ से चार रन के लिए और चार रन के साथ खाते में जुड़ चुके 34 रन। अगली गेंद लेग स्टंप पे है, उठा के मारा है और इस बार गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ से चार रन के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप पे है, इंतजार किया, उठा के मारा, इस बार मिड विकेट की तरफ से चार रन खाते में जुड़ेंगे और लगता है कि गेंद के ऊपर अटैक बना दिया है, अच्छा खासा अटैक बना दिया है नीदरलैंड का, आसानी से जीतने नहीं देगी इंडिया को और उसी का नजारा पेश करते हुए लेग स्टंप पे गेंद थी, उठा के मारा है, गेंद को मिड विकेट की तरफ से चार रन खाते में जुड़ेंगे। इस चार रन के साथ आक्रमण ने चार रन एक विकेट का एक बॉल का और सामने रविंद्र जडेजा ऑफ स्टंप के बाहर है, ड्राइव करने की कोशिश है और मुझे लगता है इनर लेज लग के गेंद वहीं रह गई है। चार गेंदे शेष बची हैं और 26 रन चाहिए, मुश्किल है क्योंकि छह बॉलों पे अगर छह चार छक्के भी लग जाएं और हाँ जी हाँ छक्के की बात करी, छक्का मारने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है और इस गेंद पे छह, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर हर गेंद पे भी छक्का मारे तो 24 रन है, इंडिया जीती हुई है, पर यहाँ पर इस गेंद पर छक्का लगने से थोड़ा सा हड़बड़ा चुकी होगी। अगली गेंद का सामना करेंगे रविंद्र जडेजा की, आक्रमण चौकी अब काफी उम्दा बैटिंग करते हुए, अब दोबारा से गेंद है, इस बार उठा के मारने की दोबारा से कोशिश करी गई थी, गेंद ज्यादा दूर गई ही नहीं। 20 रन चाहिए दो बॉलों पे, हर बॉल पे 10 रन, मुश्किल है नामुमकिन है और गेंद चली गई है सीधा सीमा रेखा के बाहर, चार रन जुड़ चुके हैं, 16 रन चाहिए अगली आखिरी गेंद पर, तो मुश्किल है जी, इंडिया जीत चुकी है, सिर्फ जडेजा जी को गेंद सीधी डालनी है विदाउट कोई नो बॉल के।
तब भी अगर दे देंगे नो बॉल तो 12 रन बनेंगे, 16 रन चाहिए तो जीती हुई मानी जा सकती है। 52 रन दे चुके हैं, 52 रन बना चुके हैं नीदरलैंड अपनी एक विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर उठा के मारने की कोशिश, सीधी गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़े खिलाड़ी, शॉर्ट लॉन्ग लेग पे, और 15 रन से इंडिया का ये विजय अभियान जारी रहा है। आप सबका शुक्रिया जो आप सब मेरे साथ बैठे इस मैच का लुत्फ उठा रहे थे, थैंक यू वेरी मच आप सबका।